ਟੋਪੀ ਪਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਟੋਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਟੀ ਪਾਲ ਮਾਰ ਲੈ ਕਰੋ ਕੋ ਕਾਲਤ ਨਾਮ ਮੈਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸਭ ਆਓ ਖੁੱਲਾ ਸਭ ਆਓ ਨਾਲ ਆਓ शुरू हुई ने बड़िया लंबिया जानिया ने अजे अं तो वेखिया ने ना लड़ाई लंबिया जे सोने जेल के बाहर खड़े हाँ साडे नाल सरदार रमनदीप सिंह जी सरदार लवप्रीत सिंह जी सरदार जसविंदर सिंह जी और सरदार अमरबीर सिंह जी भुल्लर साहब एडवोकेट साहब जो किसान अंदोलन के दौरान तुसी देखा कि किस तरीके 120 तो ज्यादा लोगों नजायज केसा के अंदर फड़ फड़ के लै आंदा ये लोग ने तुसी सुन के हैरान हो गए हसण वाली गल आ लंगर सेवा करते पे ने लेकिन जोर और जबर जुलम जेड़ा है आखिर इंतहा हुंदी आ हौसले अज भी बुलंद ने मैं सुन रहा जदों बाहर आया रमनदीप तेन उन्हें मीडिया वाले पुछ रहे थे भी की सुनया देना चाहना है यह सुनया किसी मैं नहीं कहता अपने सुनया भी अपने मुंह दसूगा की सुनया देना चाहना लोग असि यही सुनेहा दें उन्ना चेर अंदोलन कायम रहे जिन्हें जेकर किसान सारे बाहर नहीं आते जिन्हें अंदर फसे हुए ने कोई झूठे केसा जो सब झूठे केसा जा बेअंदोज बंदे अंदर किए हुए ने किसी का कोई कसूर नहीं गा जो अंदर ने अज बहुत सारे ऐसे लोग जेड़े इस किसानी अंदोलन के अंदर अपना योगदान पा रहे हैं मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता है किसान एकता जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वालों एडवोकेट पंगू साहब का पूरा नाम की है जी साहब पीएस पंगू साहब का जिन्होंने सारे एडवोकेट्स की एक कमेटी बनाई भुल्लर साहब पहले दिन तो अपने पिंडां दे मैसेज ग्रुपां च पा के ते सुनेहा दिता भाई किसी नूं लोड़ होवे ते असीं खड़े हां दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये साडे देश दे लोगां दी एक चुनी हुई संस्था दिल्ली दी जिहड़ी हर मौके ते हर जगह ते अपने परिवार दे नाल खड़ी रहिंदी आ तुहानू बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे इन्हां दा केस क्यों लड़ना है टीवियां ते गया मैनू बड़ियां फटकारां पाईयां टीवियां ते नैशनल चैनलां ते बस एक गल कही सी अपने भरावां दे नाल खड़े हां गदार कौण नालों मर जाणा मंजूर आ पर अपने भरावां दा साथ नहीं छड्डांगे मेरे वीरों असीं डट के खड़े हां अज अंदरों वी सुनेहा लै के आए आ जिहड़े बाकी रहि गए ने कुछ वकालतनामे दी दिक्कत आ रही है क्योंकि दिल्ली कमेटी दी मोहर लग के नहीं गई दुविधा च ने लोग पर मैं बाकी दे परिवारां नूं वी कहना चाहुंदा है असी दिल्ली के लोग जड़े इस गल की चिंता करते पे हाँ कि साडा कोई भी घर का परिवार का जी जड़ा है वो केस अंदर ना उलझे और अंदर ना रह जाए जो तक सब जमानत नहीं हो जांदियां ये दिल्ली के समूह एडवोकेट जड़े ने जेडे कि बिना किसी फीस तो लड़ाई लड़ते पे ने इस तरह थोड़े तो लड़ते रहेंगे और तुसी भी हौसले बुलंद रखियो और साडे भी हौसले बुलंद रखियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।